अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप यार की क्या हाल चाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत से भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। हाजिर पेश करते हैं आपके सामने न्यू वीडियो के साथ। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं बेसिकली वो टिकटॉक बैटल वीडियो है और वो दो बहुत ही पाकिस्तान के टिकटॉकर्स जो शायर हैं बहुत ही कमाल के उनके बीच में है। टिकटॉक बैटल का मतलब पहले भी बहुत बदबा बता चुका, मैं नहीं बताना चाहूँगा। इन वीडियोज़ में से हम सेलेक्ट करेंगे इन वीडियोज़ के हिसाब से किसने इन वीडियोज़ में ज़्यादा बेस्ट वीडियो बनाई, और ये मेरा ओपिनियन होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो बढ़िया मज़ा आता है इसमें। आप लोगों ने बोला रीता जी हाँ एक ऐसा टिकटॉक बैटल होना चाहिए, तो एक और वीडियो आ गई है अली रियाज वर्सेस सैयद शब्बर, बहुत आर इज माय फेवरेट। सो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इफ लाइक द वीडियो सो मच एवरी पर्सन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरी बात सुनिए, हमने अब एक काम ये किया मैंने कि मतलब पूरे वीक के अंदर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ एक गेम मतलब ऐसे सिलेक्शन शुरू करिए मैच, तो उनमें से जितने भी हैं गेम होता है इंस्टाग्राम पे उनमें से एक सिलेक्ट होता है और वीक के अंदर अब एक कोई भी बंदा हो भले फेमस हो या ना हो उसकी टिकटॉक वीडियोस पे मैं रिएक्शन करूँगा। सो आप भी अगर अपनी वीडियोस पे रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आप उस गेम में हिस्सा ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो विदाउट एनी सेम लेट्स बिगिन, वीडियो इज हियर। उसे शक था कि मुझे शक है उस पर, और मुझे शक था कि मेरा हक है उस पर। उसे जाना था, मुझे रोना था, यही होना था, क्योंकि उसे पता था कि ये दिल कितना मरता है उस पर। जिसके आने से मुकम्मल हो गई, जिनको घंटा फर्क नहीं था पड़ता हमारे होने ना होने से, अब उनको हर घंटे फर्क पड़ता है। हमारे कुछ अपने चप्पल जैसे होते हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन पीठ पीछे कीचड़ भी उछालते हैं। किसी एक की रानी बनो, हर किसी की दीवानी नहीं। अगर तुम्हें करनी ही है तो सच्ची मोहब्बत करो, झूठी मेहरबानी नहीं। जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत इच नहीं है। अपने दिमाग में रखेंगे, मैंने बोला कि लड़के, लेकिन आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि हर किसी का दीवानेपन में आ रहे हैं। माना कि थोड़ा लेजी हूँ, लेकिन अपना मेयार जो कल था वो आज भी है। अपना एटीट्यूड कोई कैलेंडर थोड़ी है जो हर साल बदल जाएगा। आंखों में मस्ती, दिल में हया रखता हूँ, मैं पंजाब का नवाबजादा हूँ, अंदाज अपना कमाल रखता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इग्नोर करोगे और मुझे फर्क पड़ेगा, उफ तुम। माना के जमाना लाइटर का है, लेकिन फिर भी माचिस की तीली से ज्यादा हमारे अपनों की जलती है। जो अपने बीते हुए कल से भागता है वो जिंदगी की रेस कभी नहीं जीतता। इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए। वक्त भी कहाँ बदलता है, सिर्फ गुजरता है। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम क्या बदलते? तुम्हें छोड़ के सब कुछ। तुम जो आए जिंदगी में, ये जिद है हमारी कि तुम्हें छीन ले सबसे। हम और जमाने से तकाजा नहीं करते, पर रो लेते हैं गोशाए तन्हाई में अक्सर। हम शहर की गलियों में तमाशा नहीं करते। तेरे नाज़ ये भी फ्रेंड है, अभी किसको सेलेक्ट करूंगा, मुझे खुद ही कुछ भी समझ रहा है। खुदा करे तुम्हारा भी कोई यूसुफ हो, खुदा करे तुम्हें कमीज भी ना मिले उसकी। प्यार करते हैं लोग फिर रुला देते हैं, आंख बंद होते ही मिट्टी में सुला देते हैं, और प्यार करता नहीं कोई जहां में हर आम शख्स को। कॉल नहीं करता वो, कान सुरीले नहीं होते, मेरे मैसेज के निशान नीले नहीं होते। एक ही फन तो हमने सीखा है, जिनसे मिलिए उसे खफा कीजिए। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने आप को दरिया के किनारे पे उगने वाली घास की मानिंद बना लो, जो या तो डूबने वाले को बचा लेती है या फिर उसके साथ चली जाती है। वैसे क्या घटिया सी शय है ये तमन्ना का फरेब, आप जैसों को भी हम जैसे तरस जाते हैं। अली का नाम सुनकर अब खैबर काम जाता है। पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, और जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है, और तू दिल पे बोझ रख के मुलाकात को ना, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? तुम्हें लव लग रहा है? मुझे लव होता, शक्ल तो देखो बिल्कुल जबरदस्ती होनी है। हमारी वीडियो जो थी वो यहाँ पर इन दोनों के लिए। अब बात करी जाए कौन सा बेस्ट था, मतलब
यार यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की वीडियोस, दोनों की शायरी भी अपनी जगह पर देखो, किसी को अब मैं कैसे सिलेक्ट करूँ, मैं नहीं कर पा रहा सिलेक्ट। मैं कर लेता अगर मुझे हद मार के सिलेक्ट करना होता, मेरा दिमाग जो बन रहा था वो मेरा दिमाग माइंड बन रहा था, माइंड सेट बन रहा था यहाँ पर शब्बर की तरफ, बट अली रियाज ने इतनी कमाल की शायरी करी कि मैं अभी बोल रहा हूँ आई हैव नो वर्ड्स, मैं यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर सकता। मतलब इट्स हुआ नहीं जा रहा कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि दोनों की वीडियोज आउट क्लास है, ऐसी कमाल की शायरी करी हुई, और साथ साथ एक्टिंग के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, लोग हर एक चीज़ परफेक्ट है। मैं कैसे समझ नहीं आ रहा कि इसको सेलेक्ट करूँ। आप पब्लिक में से कौन क्या बताता है वो अलग बात है, तो पब्लिक पे छोड़ दिया यार, ये मैंने पब्लिक पे छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो पा रहा ये पब्लिक बताइए। सो पब्लिक आप बताइएगा कौन सा बेस्ट था, आप बताएं आपको ओपिनियन क्या क्या बेस्ट है क्या नहीं है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो मच एवरी पर्सन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।